उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फिर आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग किस्म की आने वाली है। तो कल ही मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे मैंने पोस्ट लगाई थी कि मैं आज आपको तुर्की, इंडोनेशिया और रशिया में से किसी भी कंट्री का फ़ोन नंबर लेके दिखाऊंगा, फ़ोन नंबर, और उस पर मैं आपको व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चलते हैं आज हम किस पे व्हाट्सअप अकाउंट बनाने जा रहे हैं। चलते हैं हम कम्युनिटी टैब की तरफ और हम चेक कर लेते हैं सबसे ज़्यादा वोट्स किस कंट्री को मिले और किस कंट्री का हम नंबर आज बनाने जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं सिंपली अपने चैनल पे। चैनल पे आने के बाद हम चलेंगे अपनी कम्युनिटी टैब की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें 100% लोगों ने जो वोट किया वो तुर्की के नंबर पे दिया है, मतलब 13 वोट्स आए जिनमें से 13 के 13 में लोगों ने तुर्की को सपोर्ट किया कि हम तुर्की का नंबर लेके दिखाएं और उस पर व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करके दिखाएँ। चलते हैं आज के अपने तुर्की का नंबर लेने चलते हैं और उस पर व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर रख देना है ताकि आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हों। चलते हैं आज के अपनी ट्रिक की तरफ, बिना वक्त ज़ाया किए। तो सिंपली मैंने अपने जो रखा हुआ है जो क्लोन पे, एक मैंने ऑलरेडी अलग एक इसी को पिंग मी एप्लीकेशन ऑन करके दिखाई हुई है। तो सिंपली मेरे पास $1 मौजूद है। आपने कैसे इस पर अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे इस पर अर्निंग करनी है विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के, कोई भी रिचार्ज के बगैर आपने इस पर $1 से अबाउ अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ ही बटन में दे दिया, आपने वहाँ पर जाकर देख लें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे इस पर तमाम प्रोसेस करना है। उसके बाद आपने चले जाना वेरिफिकेशन के ऑप्शन की तरफ। वेरिफिकेशन के ऑप्शन की तरफ जो है आप जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पे आ जाएगा सिलेक्ट ऐप। आपने सिलेक्ट ऐप की जगह व्हाट्सअप सेलेक्ट कर देना है। नीचे आपने कंट्री की जगह आपने तुर्की का नंबर सेलेक्ट कर लेना है, जो कि जिस भी कंट्री का आप लेना चाहते हैं। हम आज तुर्की का नंबर ले रहे हैं तो तुर्की के नंबर सिंपली आप क्लिक कर देंगे तो हमारे पास तुर्की का नीचे कोड आ जाएगा +90। आप हम बस नीचे डाल देंगे 0 से लेकर 0.42 से लेकर 0.65 तक पर SMS। आपने सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में चेक करके लिए देते हैं हमारे पास नंबर वैलिड है कि नहीं मौजूद, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो सिंपली हम कुछ वेट करते हैं, अभी हमारे पास नंबर वैलिड नहीं है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद शायद हमारे पास नंबर वैलिड नज़र आ जाए। +90 है वो तुर्की का, जैसे आप देख सकते हैं हमने दूसरी बार ट्राई मारा तो हमारे पास वैलिड नंबर निकल आया। हमने सिंपली नंबर को कॉपी कर लेना है। अब नंबर को कॉपी करेंगे फिर हम चलेंगे अपनी व्हाट्सअप की तरफ जिसमें हमने व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करना है। तो हमने सिंपली व्हाट्सअप से आगे अपने GP व्हाट्सअप पर हमने यहाँ पर अपने व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट करेंगे फेक। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लेना है 9090 जो कि तुर्की का नंबर है, 90 तुर्की का कोड है। तो हमने पेस्ट कर लेना नंबर और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। सिंपली ओके बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा रीसेंट SMS और कॉल मी का ऑप्शन। अब SMS का ऑप्शन तो गायब हो गया तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास SMS रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम दोबारा से एप्लीकेशन पे आ जाते हैं तो हम उसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा देर रिफ्रेश करेंगे, देखें हमारे पास SMS रिसीव होता है कि नहीं होता। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद। तो सिंपली हमारे पास जो उस नंबर पे SMS रिसीव नहीं होता, हमने एक न्यू नंबर ट्राई किया है, तुर्की का नंबर ही है। तो हमारा रीसेट SMS जो है वो इस मिनट के बाद जाएगा, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हमारे पास नंबर आता है कि नहीं आता। तो अगर हमारे पास SMS आ जाता है वेल एंड डन, अगर नहीं आता तो हम दोबारा रीसेंट SMS के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा SMS जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ क्यों वेट कर लेते हैं कि हमारे जो SMS जो है और रीसेंट SMS के जो मिनट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं, फिर हम रीसेंट SMS के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो SMS जो है इसे ऑलरेडी सेंड हो जाएगा। हम कुछ के यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है कि आपको मतलब कि ये ऊपर लिखा हुआ रेट के $0.42 चाहिए पर SMS के लिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई मारा है, मुझे SMS का ऑप्शन नहीं आया, मुझे सिर्फ कॉल का ऑप्शन आया, नहीं दोबारा लिखा हुआ ट्राई या न्यू नंबर के ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक न्यू नंबर आ गया था। तो सिंपली मैंने नंबर एक न्यू लेकर तो दोबारा उस पर व्हाट्सअप अकाउंट पर क्लिक करके दोबारा मैंने उस पर SMS के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो वापस यहाँ पर SMS का रीसेंट SMS का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर नंबर मतलब कि मिनट्स आ चुके हैं, यहाँ पर जो मिनट्स कंप्लीट होंगे और इससे पहले पहले शायद आपको नंबर रिसीव हो जाए क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं इससे पहले नंबर SMS रिसीव होने से पहले आपने रिफ्रेश करते रहना, ये रिफ्रेश का ऑप्शन है। और आपको रिफ्रेश होने से पहले अगर नंबर SMS रिसीव हो जाता है मतलब SMS तो वेल एंड डन, अगर नहीं रिसीव हुआ तो आपने कुछ के वेट कर लेना है। इतने जो मिनट्स हैं आपके मौजूद हैं जो इस मिनट्स के कम्प्लीट SMS के ऑप्शन में सिंपली आपने क्लिक कर देना। आपने कॉल मी के ऑप्शन में बिल्कुल क्लिक करना है क्योंकि कॉल मी का ऑप्शन आपको यहाँ पर इनेबल आएगा लेकिन यहाँ पर आपको कॉल रिसीव नहीं होगी। आपने चूज़ करना है वही नंबर जिसमें आपको SMS का इनेबल नज़र आए, मतलब SMS का ऑप्शन आपको इनेबल नज़र रहा है, इसलिए मैंने चूज़ वही किया जो मैं बस SMS का ऑप्शन जो इनेबल आया था, अभी मैंने नंबर चेंज किया दोबारा और SMS वाले को सेलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 22 सेकंड के सेकंड इतने सेकंड हो गया, मैं
वीडियो ज़रा भी स्किप नहीं करा, क्योंकि आप ये ना समझें बीच में मैंने कोई और नंबर लगा दिया, कोई और एप्लीकेशन ओपन कर ली है। तो मैं आपके सामने लाइव प्रूफ सा दे रही हूँ। SMS मेरे पास यूनिट्स कंप्लीट होने वाले 10 सेकंड रह गए, 9, 8। अब मैं दोबारा SMS के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देन आप देखते हैं कि हमारे पास SMS रिसीव होता है कि नहीं होता। आपने सिंपली पिंग एप्लीकेशन मैंने आज बैठे पर दे दिया, आपने वहाँ पर जाकर दे सकते हैं कैसे मैंने इस पर अकाउंट क्रिएट कर सकता, कैसे इसका तमाम प्रोसेस किया। अब हम SMS के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं रिसेंट SMS के ऑप्शन की तरफ, तो यहाँ पर आप कुछ कम वेट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास देखते हैं 8 hours का जो एरर आ गया है हमारे पास, लेकिन हमारे पास देखते हैं हमारे SMS रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा सिंपली, तो हम देख लेते हैं हमारे पास SMS रिसीव होता है कि नहीं होता। हम कुछ दिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो सिंपली हमारा उस नंबर से भी SMS रिसीव नहीं हुआ। हमने दोबारा रीट्राई SMS के ऑप्शन पर क्लिक किया तो एक न्यू नंबर ले लिया, हमने तुर्की का नंबर इस सेम रेस्ट हमने ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। सिंपली हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, देखते हैं हम पर इस पर SMS रिसीव होता नहीं होता। आपने रीट्राई करते रहें, रीट्राई करते रहें, जो जब तक आपको SMS रिसीव नहीं होता तब तक आपने रीट्राई करते रहना। जब आपको SMS रिसीव हो जाएगा तब आपने ऑप्शन पर उस नंबर को रिसीव कर लेना। आप देखें मैंने दोबारा रीट्राई या न्यू नंबर के ऑप्शन पर किया, मेरे पास फिर एक न्यू नंबर आ गया। आपने दोबारा न्यू नंबर लिखा, फिर हम देखेंगे इस पर SMS रिसीव होता है कि नहीं होता। अब दोबारा इस पर हमने मिनट्स लग गए, अगर इस पर वैलिड नसीब होता है फिर हम अगेन कोई और नंबर ट्राई करेंगे। इस तरह हमने ट्राई करते रहने को ना कोई आपको नंबर वैलिड निकल आएगा। फिर आपको जब आप नंबर आपको वैलिड निकल आएगा, ये बात याद रखना है आपको, जब आपको नंबर वैलिड निकलेगा, जब आपको SMS रिसीव हो जाएगा उसके बाद आपकी कटौती होगी, मतलब कि आपके उतने नंबर बैलेंस जो डॉलर्स हैं उतने कटेंगे। आपको SMS रिसीव नहीं होता उसका मतलब आपके डॉलर्स कटेंगे नहीं उस वक्त तक, इसलिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कितने दिन नंबर ट्राई कर सकते हैं। इसको आपको कोई लिमिट नहीं, आपको कोई पैसे इस पर कटेंगे नहीं, आपके पैसे पड़े रहेंगे, आपको इस पर पैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेट पर शो नहीं इस बात से आपने, तो हम इसे एक मिनट रहता है, हम एक मिनट का वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ में मैं आपके सामने 3-4 एक नंबर ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक वो वैलिड नंबर नहीं मिला। तो आपने ट्राई करते रहें, तुर्की का नंबर आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वैलिड मिलेंगे आपको बहुत कम, क्योंकि तुर्की के वेबसाइट लोगों ने नंबर ऑलरेडी बनाए होते हैं। जहाँ पे मुझे नंबर रिसीव होता है तो इंशाल्लाह उस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा, तो आपने जाकर उसको देख लेना। तो परेशान नहीं होना इस बात से कि आपको नंबर रिसीव नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे पिंग मी से नंबर रिसीव करके मैंने काफ़ी सारे मतलब कि व्हाट्सअप अकाउंट क्रिएट किए हुए। आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे सकते हैं, मेरे चैनल पर आकर वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। पिंग मी से आपको 100% रिसीव होते हैं नंबर, तो आपने इस तरह ट्राई करते रहना, कोई ना कोई नंबर आपको वैलिड निकल आएगा। मैं काफ़ी देर बाद एक नंबर मिलता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उस पर SMS का ऑप्शन रिसीव नहीं होता। अगर आपको मिलता है वैलेंट डन, अगर नहीं मिलता तो इंशाल्लाह आप किसी और नंबर पे वीडियो बना सकते हैं। इस पे नहीं बना सकते तो किसी और पे तो लाजमी मिल जाएगा आपको नंबर। अगर आप इस पे कोई नंबर वैलिड निकलता तो आपकी वही किस्मत है आपको, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो को अपलोड होने के बाद फिर एक कम्युनिटी ऐप में एक डालूंगा पोल, उस पर आपने फिर पोल देना है, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, उस पर भी आपको एक फेक अकाउंट क्रिएट करके बताऊँगा। अभी के लिए हाफिज़ मीर मिलेंगे ए वीडियो की तरफ से।